ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं, पंजाब सरकार की शर्मनाक कार्यशैली का नमूना है। राजनीति से परे है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला, इस पर सियासत ठीक नहीं। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि आगे से ऐसी घटना न हो। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला 130 करोड़ लोगों की जुबान पर आ गया है। इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला राजनीति से परे है और इस पर सियासत ठीक नहीं है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरह की चूक हुई, वो पंजाब सरकार और उसके अधिकारियों की शर्मनाक कार्यशैली का एक उदाहरण है। ये तो सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है, और इस पद पर बैठा व्यक्ति तमाम राजनीतिक दांव पेचों से परे होता है। वो भारत की पहचान है और संविधान की प्रतिष्ठा है। उनकी सुरक्षा पूरे देश की चिंता होती है, लेकिन इस गंभीर मसले को राजनीतिक दलों खासकर कांग्रेस ने इतना हल्का बना दिया है कि उसकी मंशा पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस चूक के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती और फिर चिंतन इस बात पर होता कि भविष्य में इस तरह की चूक की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसकी जगह राजनीतिक मुद्दे उछालकर कांग्रेस जो साबित करना चाहती है उसे पूरा देश समझता है। पंजाब की घटना की पृष्ठभूमि में पीएम की अभेद सुरक्षा व्यवस्था में सेंध की साजिशों की आकांक्षाओं की पड़ताल करती। आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। पंजाब के फिरोजपुर जिले में 5 जनवरी को जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित और शर्मनाक था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे ताकतवर शख्स दुश्मन देश की सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर अपने देश के एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक असुरक्षित रहा और 130 करोड़ लोगों की सांसें अटकी रहीं। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे, जिन्होंने पिछले 7.5 साल से भारत का सफल और लोकप्रिय नेतृत्व किया है। पीएम मोदी पंजाब की यात्रा पर गए थे, लेकिन वहां की सरकार और प्रशासन की शर्मनाक कार्यशैली के कारण वो फिरोजपुर तक नहीं पहुंच सके। भारत के इतिहास में यह शायद पहला मौका है जब प्रधानमंत्री को किसी रैली में पहुंचने से रोक दिया गया हो। पीएम मोदी वहां से लौट गए और फिर भटिंडा एयरबेस पर उन्होंने अधिकारियों से जो कुछ कहा वो पंजाब सरकार की विवादास्पद कार्यशैली को समझने के लिए काफी है। पीएम मोदी ने कहा, अपने सीएम को थैंक्स कह देना कि मैं भटिंडा तक वापस जिंदा आ गया। ये उस प्रधानमंत्री का बयान है जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता है और जिसकी कार्यशैली तमाम विवादों से परे है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई इस चूक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और पंजाब सरकार ने भी जांच कमेटी बनाई है, लेकिन इस घटना ने पंजाब के अधिकारियों की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल या निशान लगा दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब पंजाब पुलिस को पता था कि रास्ता जाम करने वाले प्रदर्शनकारी 2 दिन से वहां जमा थे, तब उन्होंने पीएम के काफिले को उस रास्ते से ले जाने की हामी क्यों भरी? रही बात किसानों के विरोध की आशंका की, तो क्या पंजाब के अधिकारियों को इस आशंका की भनक नहीं लगी थी? यदि नहीं लगी थी तो फिर वे इस संवेदनशील प्रदेश का प्रशासन चलाने के लायक नहीं है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना के बाद श्रीलंका में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर एक सैनिक द्वारा बंदूक की पट से किए गए हमले की याद ताजा हो गई है। मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को बेहद गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। ऐसे ही चूक का मामला 30 जुलाई 1987 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हुए हमले के रूप में सामने आया था। राजीव गांधी भारत श्रीलंका शांति समझौते के लिए श्रीलंका गए थे। वहां गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक सैनिक ने बंदूक की पट से उन पर हमला किया था। किसी भारतीय प्रधानमंत्री पर विदेश की धरती पर हुआ ये अब तक का इकलौता हमला रहा है। उस सैनिक का नाम विजिथा रोहन विजयमुनि था और वो श्रीलंका में भारतीय सेना भेजने के खिलाफ था। इस हमले में राजीव गांधी की पीठ में हल्की चोट आई थी। इसके बाद विजयमुनि को सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। बहरहाल पंजाब में हुई घटना के बाद पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन,
पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पीएम की सड़क या हवाई यात्रा के दौरान क्या प्रोटोकॉल होता है? पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी कमांडो का ही होता है। इन कमांडो को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी राज्य में पीएम के दौरे के समय चार एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था देखती हैं, एसपीजी, सीआरपीएफ या बीएसएफ, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट होती है। स्थानीय पुलिस पीएम के दौरे के समय रूट से लेकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा संबंधी नियम तक करती है। आखिरकार पुलिस के निर्णय की निगरानी एसपीजी अधिकारी ही करते हैं। केंद्रीय एजेंसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल और रूट की सुरक्षा जांच करती है। पीएम की सुरक्षा में कुल मिलाकर 1000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का बयान शर्मनाक है। वो कुतर्क कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं थी, सो प्रधानमंत्री ने ड्रामा रचा। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। वहीं किसान यूनियन के नेताओं ने ये बयान देकर चौंका दिया कि वे यहां डीएम ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। पंजाब पुलिस ने उन्हें फ्लाईओवर पर रोक दिया। कुछ नेताओं का कहना था कि उन्हें फोन पर प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग से आने की जानकारी दी गई और उन लोगों ने आनन फानन में रास्ता रोका। ये सभी बयान पंजाब सरकार की नाकाबिलियत की बखिया उधेड़ रहे हैं। ऐसे भी सीएम को ये पता होना चाहिए कि जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से कहीं जाते हैं तो एक इमरजेंसी के हालात में एक सड़क मार्ग विकल्प के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। अगर इतनी भी जानकारी नहीं है तो क्या कहा जा सकता है। यही नहीं, आखिर पंजाब के सीएम के पास इस बात का क्या जवाब है कि पीएम के काफिले में डीजीपी और सीएस क्यों नहीं थे? इस सवाल का भी उनके पास क्या जवाब है कि जब सुरक्षा अधिकारी सीएम से संपर्क साधना चाह रहे थे तो उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया? उनसे उनके माथहत अधिकारियों ने बात क्यों नहीं करवाई? याद रखिए, पीएम देश का होता है, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर पीएम जैसे की सुरक्षा को मजाक बना दिया गया तो फिर किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य का सीएम का आना जाना संभव नहीं हो पाएगा। विरोधी दल की सरकारें अड़ंगा लगाएंगी और इससे देश की संप्रभुता पर असर पड़ेगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।